आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अयोध्या में आया भूकंप, बड़ी खबर सामने आ रही है। देर रात 12 बजे आया भूकंप, भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई, लोगों में दहशत का माहौल। बड़ी खबर सामने आ रही है, अयोध्या में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अयोध्या में आया भूकंप, बड़ी खबर सामने आ रही है। देर रात 12 बजे आया भूकंप, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां अयोध्या में धरती का पे भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई, लोगों में दहशत का माहौल। अयोध्या में आया भूकंप, बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या में रात 12 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, भूकंप की तीव्रता 4.3 रही, लोगों में दहशत का माहौल। अयोध्या में आया भूकंप, बड़ी खबर सामने आ रही है। देर रात 12 बजे आया भूकंप, भूकंप की तीव्रता 4.3 रही, लोगों में दहशत का माहौल। अयोध्या में भूकंप के झटके महसूस किए गए, देर रात 12 बजे आया भूकंप, भूकंप की 4.3 रही तीव्रता, लोगों में दहशत का माहौल। अयोध्या में आया भूकंप, बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या में 12 बजे रात में भूकंप के झटके महसूस किए गए, बड़ी खबर सामने आ रही है। जब भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई, लोगों में दहशत का माहौल। बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देर रात 12 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां तीव्रता 4.3 रही। और इस खबर पे हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, अयोध्या में भूकंप के बाद कैसा माहौल है, लोगों में क्या दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है? आपको कि रात को लगभग 12 बजे के लगभग में आया है ये भूकंप, और इसकी रिक्टर पैमाने 4.5 की नापी गई है। और रात जब देर रात में जनता जो है सब लोग घर के अंदर सोए हुए थे, और जब एकाएक भूकंप आया है तो सबके सब निकल के बाहर आ गए हैं। और जिस तरीके देखा जा रहा है कि मौसम जो है वो 24 घंटे से ऊपर हो गया, यहाँ खराब है और बरसात हो रही है जी। जिसको लेकर के रात 12 बजे लगभग जब भूकंप आया तो सारी की सारी जनता जो सो रही थी और वो एकदम से परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है। फिर जब निकले हैं वो घर से बाहर निकल करके, उसके बाद कुछ देर तक रहा है, उसके बाद वो अपने आप स्वतः चला गया जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राघवेंद्र जुड़े थे अयोध्या से। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के बाद राजस्थान के सीएम कोरोना पॉजिटिव, बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम अशोक गहलोत की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, होम आइसोलेशन में सीएम गहलोत। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के बाद राजस्थान के सीएम कोरोना पॉजिटिव, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां कई वीवीआईपी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, वहीं अब सीएम अशोक गहलोत की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ गई, जिसके बाद वो होम आइसोलेशन में है। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के बाद राजस्थान के सीएम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जब पहले अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हुए थे, वहीं अब अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केजीएमयू में अब ओपीडी के लिए सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण होगा, बड़ी खबर सामने आ रही है। मौके पर ओपीडी पंजीकरण की व्यवस्था खत्म। कोरोना के चलते उठाया गया है ये बड़ा फैसला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां केजीएमयू में अब ओपीडी के लिए सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा सकेगा, मौके पर ओपीडी पंजीकरण की व्यवस्था खत्म कर दी है। कोरोना के चलते ये कदम उठाया गया है, बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केजीएमयू में अब ओपीडी के लिए सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण ही कराया जा सकेगा, बड़ी खबर सामने आ रही है। मौके पर ओपीडी पंजीकरण की व्यवस्था खत्म, कोरोना के चलते उठाया गया फैसला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जो केजीएमयू में अब ओपीडी के लिए सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण ही अनिवार्य कर दिया गया है, मौके पर ओपीडी पंजीकरण की व्यवस्था खत्म कर दी गई है, कोरोना के चलते उठाया गया है ये कदम।
नंबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, क्या कुछ जानकारी है? केजीएमयू द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, ओपीडी का पंजीकरण अब सिर्फ ऑनलाइन हो सकता है, इससे कितनी सुविधा और कितनी असुविधा होगी लोगों को? जी शिखा, अब तक जैसे कोरोना के केस जो है वो लखनऊ में 1000 से ज्यादा हो गए हैं, इसको देखते हुए जो डेस्क से पर्चियां कटती थी उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। जैसे पिछली पहले और दूसरे चक्र जो था कोरोना का, उसमें भी ये किया गया था। आमतौर पर इसको इसलिए किया गया है क्योंकि केजीएमयू के डॉक्टर और वहाँ के फार्मासिस्ट भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए जो पर्चियां उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। खास तौर से हम कह सकते हैं सिखाई, जो दिक्कत होगी वो जो गरीब जो किसान आता है वहाँ, और जो मजदूर आता है जो समाज में निचले तबके का है, उसे इससे खास तौर पे दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अमीर तो संसाधन से पूरी उसके परिचित है, वो आसानी से इन चीजों को ले लेगा। लेकिन अगर गरीब की बात करें तो इस क्योंकि साइबर कैफे जाके और उसे इस काम में काफी दुविधा होगी, मगर अमीरों के लिए आसान है, गरीबों के लिए बड़ी ही मुश्किल का काम है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर मैं संवाददाता विभांशु जुड़े थे। देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, बड़ी खबर सामने आ रही है, बढ़ते आंकड़ों ने फिर डराया। बड़ी खबर सामने आ रही है, 24 घंटे में मिले 116,390 केस। देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, बड़ी खबर सामने आ रही है, 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, बढ़ते आंकड़ों ने फिर डराना शुरू कर दिया है। 24 घंटे में मिले 116,390 मामले। देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, बड़ी खबर सामने आ रही है, बढ़ते आंकड़ों ने एक बार फिर डराया। इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, एक बार फिर कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, क्या कहेंगे? जी, कोरोना अपने फिर से उसी रफ्तार में आ गया है, और जो ताजा आंकड़े हैं उस हिसाब से अगर लखनऊ की बात करें तो 24 घंटे में 7 महीने के बाद 408 केस केवल लखनऊ में आए हैं, और इससे खास तौर पे जो पाबंदियां हैं वो धीरे धीरे लगाई जा रही हैं, और जो भी संस्थान है उसमें जो मास्क और ये सब चीजें हैं उनको फिर से ध्यान में रखा जा रहा है। और आपको बता दें कि जो लखनऊ बात कही गई थी वो एक बार फिर सच हो रही है, लेकिन अभी चौथी लहर की बात तो नहीं करी गई है, लेकिन ये इसकी वजह क्या, जो नए साल का जश्न था और जो राजनीतिक रैलियां हो रही है, चुनावी माहौल है, क्या हम उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? जी हाँ, बेशक उसको ठहरा सकते हैं, और साथ ही साथ जो नए साल और जो 25 दिसंबर क्रिसमस डे के दिन लोग बाहर निकले और पूरा जो प्रोटोकॉल था कोविड का, नियमों का, उन गाइडलाइनों का साफ तौर पर उल्लंघन किए, जिससे आप देख सकती हैं कि कोरोना के जो केस हैं वो पूरे बढ़ते जा रहे हैं। और वही अगर लखनऊ के लोग बंधु और केजीएमयू की बात करें तो वहाँ डॉक्टर समेत फार्मासिस्ट भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि जो फ्रंट लाइन वर्कर है अगर वो पॉजिटिव होगा तो उनसे मिलने वाले तमाम मरीज है, और अगर डॉक्टर पॉजिटिव होता है तो वैसे भी सरकारी संस्थानों में डॉक्टरों की कमियां हैं, अगर डॉक्टर पॉजिटिव होगा तो इससे जनता को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। जी विभांशु, ये गंभीर स्थिति है क्योंकि इस वक्त सिर्फ आम जनता ही नहीं, डॉक्टर जो कि उनका इलाज करने वाले हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं, तो काफी बचाव की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो कोरोना ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है, एक बार तेज रफ्तार पकड़ ली है, 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं वो डराने वाले हैं, 116,390 केस सामने आए हैं कोरोना के। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अपना दल एस की सभी जनसभाएं स्थगित, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने दिए निर्देश, कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए जारी किया निर्देश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अपना दल एस की सभी जनसभाएं स्थगित, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने दिए निर्देश।
इस खबर में भी हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता विभाषु जुड़े हुए हैं। विभाषु, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब धीरे धीरे सभी दल अपनी रैलियां जनसभाएं स्थगित कर रहे हैं, ये कितना बड़ा सही कदम है? जी, अपना दल की जो अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री जी जो सरकार में है अनुप्रिया पटेल, वो कोरोना पॉजिटिव हो गई और उनके साथ उनके पति जो है आशीष पटेल वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। और इसके साथ ही जो अपना दल ने जितनी रैलियां आयोजित होनी थी उसको कैंसिल कर दिया, ये बड़े ही मतलब बढ़िया काम किया है। और साथ ही सबसे पहले इस कदम को कांग्रेस ने उठाया, उसने जो भी रैली और मैराथन उसके आयोजित होने वाले थे उसको कैंसिल किया। और वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी का लखनऊ दौरा था, जहां वो दीक्षांत समारोह में आने वाले थे, उन्होंने भी अपने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। तो ये बड़ी ही सराहनीय कदम है कि कोविड के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं और नेता रैली से चूक नहीं रहे थे, तो पहले साहस दिखाना पड़ेगा और रैलियों को कैंसिल करना पड़ेगा। इससे कोविड में काफी रोकथाम भी होगी। और खासकर बात करें तो जहां पे मामले ज्यादा है वहां राजनीतिक दलों को तो एकदम रैली नहीं करनी चाहिए, और जहां मामले कम है वहां डीएम से परमिशन के बाद ही रैली हो रही है। और यहां जो सीएमओ है चाहे डीएम है उनका साफ निर्देश है, गाइडलाइन है कि भीड़ इकट्ठा ना हो। जी विभाषु, ये जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे राजनीतिक दल भी पीछे हट रहे हैं, लेकिन जब बैठक की गई थी चुनाव आयोग के साथ सभी दलों की, तो उन्होंने कहा था कि सभी दल निर्धारित समय पर ही चुनाव कराना चाहते हैं, तो क्या लगता है ये चुनाव निर्धारित समय पर होंगी या फिर जिस तरह से रैलियां टल रही है चुनाव को भी आगे बढ़ाया जाएगा? जी आपको बताना चाहिए कि सभी पार्टियों के साथ चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बैठक की गई थी, जिसमें सभी दलों ने हामी भरी कि चुनाव को सही समय पे ही किया जाए, जो समय है उसी पे किया जाए। और उत्तर प्रदेश में मई में जो तत्कालीन सरकार है उसकी कार्यकाल पूरा हो रहा है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव को ठीक उसी समय पे किया जा रहा है। तो इससे देख सकते हैं कि कोरोना की जो रफ्तार है वो विगत 6 दिनों में मामले आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, और अभी चुनाव में और आचार संहिता लगने में बहुत कुछ दिन बाकी है। तो ऐसे साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि इससे काफी खतरा होने को हो सकता है। और राजनीतिक दल अब तक वर्चुअल रैली के द्वारा जनता को अब तक संबोधन नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत कर रहे हैं, और इससे कोविड के जो मामले हैं वो बढ़ते जाएंगे। और चुनाव आयोग ने एक सलाह भी दी थी कि डिजिटल रैली आप करिए और समाचार पत्रों के माध्यम से अपने बातों को जनता तक पहुंचाइए, मगर जो नेता है वो पूरी तरीके से अब तक उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और गाँव में अगर बात करें तो गाँव में भी रैलियां आयोजित की जा रही है, मगर अगर गाँव में अभी कोरोना की उतने केसेस नहीं पहुंचे हैं, मगर अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा, इन सब जगहों पे कोरोना के ज्यादा केस है और यहाँ पे रैलियां हो रही है। और लखनऊ की बात करें तो यहाँ आंकड़े 1000 हो गए हैं और यहाँ पे भी रैलियां हो रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर। महोबा में तीसरी लहर की दस्तक, बड़ी खबर सामने आ रही है, जिला मुख्यालय में मिले 4 कोरोना मरीज, 17 वर्षीय किशोर सहित 4 कोरोना पॉजिटिव मिले, अलग अलग मोहल्ले में मिले कोरोना मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना केस की पुष्टि की, बड़ी खबर सामने आ रही है, संपर्क में आए लोगों के लिए जा रहे सैंपल। महोबा में तीसरी लहर की दस्तक, बड़ी खबर सामने आ रही, जिला मुख्यालय में मिले 4 कोरोना मरीज, 17 वर्षीय किशोर सहित 4 कोरोना पॉजिटिव मिले, अलग अलग मोहल्ले में मिले कोरोना मरीज, बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना के रफ्तार तेज होती नजर आ रही है, स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना केस की पुष्टि की है, संपर्क में आए लोगों के लिए जा रहे हैं सैंपल। महोबा में तीसरी लहर की दस्तक, बड़ी खबर सामने आ रही है, जिला मुख्यालय में मिले 4 कोरोना मरीज, 17 वर्षीय किशोर सहित 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं स्वास्थ्य विभाग में, और अलग अलग सरकारी विभागों में भी अब कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन कोरोना संक्रमितों की पुष्टि करी है, संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता दिलीप जुड़ चुके हैं महोबा से। दिलीप, जो
जिला मुख्यालय में 4 कोरोना मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं कर्मचारी, क्या कहेंगे, कितनी खतरनाक स्थिति बनती जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बीते काफी समय से महोबा कोरोना मुक्त था और अभी तक महोबा में एक भी एक्टिव केस नहीं था, लेकिन अचानक से इन 4 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया और जिला प्रशासन ने इनके संपर्क में आए लोगों के लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं और जांच की जा रही है। जी जी, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में भी कोरोना के केस मिल रहे हैं, जो इलाज करने वाले डॉक्टर वही संक्रमित हो रहे हैं, तो लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। तो जागरूक नहीं हो रहे हैं अभी भी लोग, बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ही बाहर जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस लापरवाही पे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर लोगों में जो एक लापरवाही लगातार काफी बीते दिनों से देखी जा रही थी, बार बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा भी लोगों से अपील की जा रही है कि लोग मास्क लगाएं और उचित दूरी बनाकर रखें, वैक्सीनेशन कराएं, इसके बावजूद भीड़ भाड़ इकट्ठा न हो, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मुख्यालय हो या शहर के अन्य बाजार हो या कहीं भी सार्वजनिक स्थान हो, वहाँ लोगों के हुजूम उमड़ता है और लोग कहीं ना कहीं इस लापरवाही को, जो लापरवाही के चलते जो तीसरी लहर की दस्तक कोरोना ने दी है, वो कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए और प्रशासन भी इसको लेकर प्रशासन को भी सख्ती बरतना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता दिलीप जुड़े थे महोबा से। तो तीसरी लहर की दस्तक बताई जा रही है जिले में, जहां पे 17 वर्षीय किशोर सहित 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और सभी को जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि अब हर विभाग में, वो चाहे VIP हो, VVIP हो, सभी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, तो आम जनता को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। मथुरा में कोरोना ने दी दस्तक, बड़ी खबर सामने आ रही है, 47 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। विदेश की ट्रैवल हिस्ट्री वाले 6 लोग शामिल, बड़ी खबर सामने आ रही है, मथुरा में कोरोना ने दी दस्तक, 47 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है, विदेश की ट्रैवल हिस्ट्री वाले 6 लोग शामिल है इसमें। मथुरा में कोरोना ने दी दस्तक, बड़ी खबर सामने आ रही है, 47 लोग निकले कोरोना संक्रमित, देश की ट्रैवल हिस्ट्री वाले 6 लोग शामिल हैं, जिनका सैंपल लेके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। मथुरा में कोरोना की दस्तक है, एक साथ 47 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। प्रयागराज में फिर बढ़े मरीज, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, 170 लोग कोरोना संक्रमित मिले 24 घंटे में। जिले में अब तक 307 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। प्रयागराज में फिर बढ़ी मरीजों की संख्या, कोरोना के 70 मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। जिले में अब तक 307 मरीज, बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रयागराज में फिर बढ़े मरीज, बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रयागराज से 24 घंटे में 70 लोग कोरोना संक्रमित। जिले में अब तक 307 मरीज, प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे फिर कोरोना रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है, 24 घंटे में 70 लोग मिले कोरोना संक्रमित। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, तेज रफ्तार कार और बाइक की हुई टक्कर, बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल, बड़ी खबर सामने आ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को किया जब्त, घायलों को इलाज के लिए भेजा गया CHC, बड़ी खबर सामने आ रही है, गंभीर हालत देखते हुए कानपुर किया रेफर। कानपुर में इलाज के दौरान दोनों की मौत, बड़ी खबर सामने आ रही है, हदगाम के पुरवा गांव के पास की घटना। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कार और बाइक की टक्कर हो गई है, तेज रफ्तार दोनों वाहनों की आपस में टक्कर हो गई, बड़ी खबर सामने आ रही है, बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को किया जब्त। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।